नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। तो इनके पिता का नाम चाणक था, जो मंगध के सीमावर्ती इलाके में रहते थे। चाणक मगध के राजा से बहुत असंतुष्ट थे। चाणक किसी भी तरीके से धनानंद को मगध की गद्दी से हटाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने अपने मित्र सट्टार के साथ एक योजना बनाई धनानंद को उखाड़ फेंकने की। लेकिन गुप्तचर द्वारा महामात राक्षस उस टाइम पे धनानंद का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसको इस बात का पता चल गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी। तो जो चाणक थे, इनके चाणक के पिता, इनको बंदी बना लिया उस टाइम पे। और राजभर में खबर फैला दी कि कोई राजद्रोही ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। तो उस टाइम पे चाणक हत्या की जाएगी, उस टाइम पे चाणक छोटे थे। इनका उस टाइम पे नाम कौटिल्य था। जब ये बात इनको पता चली तो अभी कर भी कह सकते थे उस टाइम पे। और उसके बाद इनके पिता को मृत्यु दंड दिया गया। उनका कटा हुआ सर जो राजधानी होती है उसके चौराहे पर टांग दिया। पिता के कटे हुए सर को ये अंतिम संस्कार करना चाहते थे। तो रात के वक्त ये गए वहां से, तो अपने पिता का सर लेके आए और उसका अंतिम संस्कार किया। उस टाइम पे इनकी उम्र लगभग 14 साल की थी। अकेले इन्होंने पिता का अपने अंतिम संस्कार किया। तब चाणक्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली थी कि जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, जब तक महामात के रक्त से अपने महामात जो मैंने बताया प्रधानमंत्री जो उसका मगध का महामात के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। तो उस टाइम अभी इन्होंने ये प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन इनकी उम्र उस टाइम पे 14 साल थी। इसके बाद क्या करते, तो इसके बाद इनके एक पिता के मित्र थे राधा मोहन, तो उन्होंने इनको अपने साथ ले लिया। तो राधा मोहन इनकी प्रतिभा को पहचानते थे, क्योंकि ये बहुत मतलब इंटेलिजेंस थे उस टाइम पे, बोल सकते बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इनको अपने साथ ले गए और इनको तक्षशिला के विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त उस टाइम पे मतलब इन्होंने अपना नाम बदल के कौटिल्य से विष्णुगुप्त कर लिया था। जब इन्होंने एडमिशन लिया इसमें तक्षशिला में, तो इनका नाम कौटिल्य से बदल के विष्णुगुप्त रख दिया। विष्णुगुप्त नाम होने के बाद उसके बाद इनकी एक जीवन की नई शुरुआत हुई। तक्षशिला में चाणक्य ने ना केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अपने उसने पड़ो उन्होंने अपने पड़ोसी जो राजा थे उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, वो आते रहते थे, तो उनसे भी अपना परिचय बना लिया। और क्योंकि लोग इनसे इनकी जो बुद्धि थी इससे बहुत प्रभावित थे उस टाइम पे, क्योंकि बड़ा लिया था इसके जो, तो ये सब लोग पहचान हो गई इनकी, आते जाते थे वहां पर। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। तो लेकिन उस टाइम पे पोरस का साथ आचार्य चाणक्य ने दिया था उस टाइम पे पोरस का साथ। लेकिन सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर ने जब ये पोरस को हराया, उसके बाद तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश जब पता चला कि भाई तक्षशिला में आने वाला है सिकंदर, तो ये अपने
जो राज्य था इनका पुराना, जहाँ पर ये भाग के आए थे, जहाँ से तक्षशिला मगध से, तो ये वापस वहाँ चले गए। तो यहाँ पर अपने मित्र, जिनका इनके जो एक मित्र थे वहाँ पर, सकटा, जो इनके पिता के जो मित्र थे, एक उनका नाम था सकटार, उनसे मिले वो। लेकिन वो बहुत उस टाइम पे बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने चाणक्य को देखा कि क्या मेरे राज्य की हालत कर दी थी दयानंद ने, उधर विदेशियों और आक्रमण, अब इधर ये चल रहा था, वहां पर वो सिकंदर को छुपा था, तो वहां पर विदेशियों का भी आक्रमण हो रहा था। इधर से ये दृष्टि, मतलब इधर ये जो धनानंद था इस तरफ, ये अपने मंदरा हिंसा, मतलब यही सब उल्टी सीधे कामों में डूबा था। अब इनसे एक बार बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये अपना नाम बदल चुके थे और 14 साल की उम्र में जा चुके थे। ये धनानंद के दरबार में पहुंच गए भरी सभा में। उस टाइम पे चाणक्य ने दरबार में गुस्से में अपना परिचय दिया धनानंद को कि मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ, और उस टाइम पे धनानंद को बहुत खरी खोटी सुनाई और सिकंदर के बारे में सारी कुछ बात बताई कि ऐसा है वैसा है, ये करने वाला है, राज्य पर आक्रमण करने वाला है। इस दौरान तो धनानंद को खूब खूब जितना बोल सकता था दिल की सारी भड़ास निकाल दी। लेकिन उस टाइम पे ये मजबूर थे, क्योंकि धनानंद के पास इनको नहीं जाना था, धनानंद को इनको हटाना था, लेकिन सिकंदर ने आक्रमण किया तो मजबूरी में ये धनानंद के पास गए थे। तो लेकिन उस टाइम पे धनानंद ने इनको मजाक मजाक उड़ाया और इनको भरी सभा से बाहर फेंकवा दिया। बाद में जब वहां से वो वापस आ गए, ये बेइज्जत हो गए, फिर सपटार से मिलते हैं। वो सपटार फिर इनको उस राज्य में मगध में क्या चल रहा है ये सारी चीजों को इनको अंदर की बात बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद्रोह करना चाहते हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है जिससे ये बात कर सके। उसी टाइम पे इनको पता चलता है कि एक बंदा भी है चंद्रगुप्त, जिनके माता का नाम मूरा था। तो किसी, मतलब धनानंद था, उसके पिता चंद्रगुप्त के पिता को धनानंद ने मार दिया था, और इनकी माँ इनको लेके जंगल में चली आई। तो लेकिन जहाँ पर ये जंगल में चली आई थी इनकी माता, तो वहाँ पर मतलब जंगली लोगों के बीच रहती थी, तो वहाँ पर लोग भोले वाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग, आदिवासी, वन जाति, भील जैसे टाइप के लोग रहते थे। तो चाणक वहाँ गए, चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा उन्होंने उस टाइम पे। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक नया और जीवन। जब इनको चंद्रगुप्त मिले, उसके बाद इन्होंने अपना मेन काम करना चालू किया। तो उसके बाद इनका लक्ष्य बन गया कि दानानंद को हटा के चंद्रगुप्त को उसकी जगह गद्दी पे बिठाना है। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा सारा कुछ दिया, भील आदिवासी वनवासियों को मिला के इनने एक बहुत बड़ी सेना बना ली, और फिर बाद में दानानंद के ऊपर आक्रमण कर दिया, मतलब मगध पे धावा बोल दिया। अब इनके पास मल्टीपल टाइप के योद्धा थे, हर टाइप के योद्धा थे, चाहे वो भील हो, डाकू हो, जितने भी थे इनके पास सारे सेना में, इनके इन्होंने अपने सेना में मिला लिया। उसके बाद धनानंद को उड़ा दिया, उन्होंने कुर्सी से हटा दिया, और चंद्रगुप्त को वहां पर मगध सम्राट बना दिया। अब सोचो जरा, जिसके गुरु चाणक्य जैसे होंगे, तो क्या बंदा बनेगा, क्या चाणक्य, अशोक सम्राट, उनको भी इन्होंने कुछ ज्ञान दिया था। क्योंकि उसके बाद इनके जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो लड़का था अशोक, मतलब इन तीनों को भी इनने शिक्षा दी है। उसके बाद ये
बाद में इनकी जो मृत्यु हुई तो 283 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो ये थी कथा आचार्य चाणक्य की। बाद में उन्होंने बहुत कुछ, तो वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त उन्होंने बनाए कैसे, क्योंकि चंद्रगुप्त हर कोई नहीं बन सकता है। जैसे चाणक्य हर कोई नहीं बन सकता, वैसे भी चंद्रगुप्त भी हर कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जो दिया था वो हर कोई देने के लिए तैयार हो तभी वो चंद्रगुप्त बन सकता है। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियोस लेके आता रहूँगा। और बाकी मैं पूरा मौर्य साम्राज्य पे एक सीरीज बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक इतिहास से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो थैंक यू।